करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी को सुबोध प्रदान करे, ऐसी मेरी आंतरिक मंगल कामना। मुझे बड़ी प्रसन्नता है जानकर कि वर्तमान में भौतिकवाद की दौड़ में लगे हुए नवयुवकों में भी अपने धर्म संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए अंतर में चाह जागृत हुई और वे सभी अपने अतीत के मान बिंदुओं की संभाल और सुरक्षा के लिए संगठित होकर कुछ करने के लिए तत्पर हुए। बड़ी प्रसन्नता की बात है। मेरी आकांक्षा भी यही है भारत के युवकों से कि इस समय परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं, राजनीतिक स्तर पर देश एक होते हुए भी विभिन्न दलों के द्वारा उसे विभिन्न टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है। स्वार्थ के पीछे राष्ट्र और समाज को विखंडित करने में आज के नेता अग्रणी बने हुए हैं। इसलिए धर्मनिरपेक्ष की दुहाई देने वाले राजनेताओं से ये आशा करना कि हमारे अतीत के गौरवों की सुरक्षा के लिए वे कुछ कर पाएंगे, ये भ्रांति के सिवा और कुछ नहीं। अतीत का गौरव हमारा अपना गौरव है, हिंदू समाज का गौरव है। यहां वर्तमान में जिस खिचड़ी संस्कृति की वकालत की जा रही है, व्यास से कुछ दशाब्दी पूर्व भी एक आक्रांता के रूप में इस भारत की पावन भूमि पर निवास करते रहे हैं, आज भी उनके अंतर्तन में वही धारणा है। और भारत का इतिहास 100-200 वर्ष का इतिहास नहीं है, 400 वर्ष का इतिहास नहीं है। वह इतिहास मुगल साम्राज्य से शुरू नहीं होता, बल्कि मुगल साम्राज्य के उदय के साथ ही भारत के इतिहास का गौरव अस्ताचल को प्राप्त हो गया था। इसलिए जब हम अपने अतीत की उपलब्धियों को ढूंढते हैं, देखते हैं, इतिहास के पन्नों में खोजते हैं, तो वो हजारों लाखों वर्ष का इतिहास हमें दिखाई देता है। और वह इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास, हमारा अपना इतिहास है, हिंदू समाज का इतिहास।
तब भारत एक सराय नहीं था और भारत की संस्कृति सराय की संस्कृति नहीं थी। भारत एक राष्ट्र था। हमें यजुर्वेद के मंत्रों में भी आ समुद्र पर्यंता एक रात का दर्शन होता है। हम विष्णु पुराण में ये पढ़ते हैं, उत्तरस्य समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् तद्वर्षम् भारतम् नाम भारतीय प्रसंतति। समुद्रों से घिरा हुआ, समुद्रों से उत्तरी भाग में और महान हिमालय के दक्षिण भाग का जो भूखंड है वह भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ के निवासी भारती कहे जाते हैं। इतिहासकारों की मान्यता है कि विष्णु पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से लगभग 4000 वर्षों का पुराना है। हमारे हिसाब से तो पुराण के रचयिता भगवान व्यास देव हैं और विष्णु पुराण तो उनके पिता पराशर की कृति है, इसलिए उसका काल और प्राचीन है। मेरे कहने का अभिप्राय कि आज से हजारों वर्ष पूर्व भारत का एक रूप था हिमालय के दक्षिण और समुद्रों से घिरा हुआ, पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी समुद्र के मध्य ये भूभाग। इसी रूप से हमें एक श्लोक मिलता है, हिमालयम समारंभा यावद इंदू सरोवरम तद्वर्षम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रकक्षते। हिमालय से लेकर के इंदू सरोवर तक जो ये पुण्य प्रदेश है इसका नाम हिंदुस्थान है, हिंदुओं का निवास स्थान है। ये भी श्लोक ऐतिहासिक दृष्टि से 2000 वर्ष का पुराना है और आप लोगों को तो इतना पता ही है कि जिस वंश की गौरव गाथा आज इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई है, उन महापुरुष बाप्पा रावल का वंशज, बाप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक 1000 वर्ष तक अपने धर्म की रक्षा, अपने देश की रक्षा और अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए विदेशियों से युद्ध करता रहा है। और उस महापुरुष को ही आज से कितनी शताब्दियां पूर्व आप देखें यहां के लोगों ने खिताब दिया था हिंदुआन सूर्य। कुछ लोगों की यह भ्रांति है कि हिंदू शब्द तो हमारे लिए गाली रूप में मुसलमानों ने प्रयोग करना शुरू किया था, लेकिन ये भ्रांति है, विशुद्ध भ्रांति। मैंने एक पुस्तक लिखी है हिंदू धर्म सूत्र, उसमें ढूंढ करके खोज करके मैंने प्रमाणित किया है कि आज से 4000 वर्ष पूर्व इस पावन देश को हिंदुस्तान और यहां के निवासियों को हिंदू कहा जाता रहा है, जबकि इस्लाम तो दूर रहा। इस्लाम के जो मूल स्रोत ईसाई और यहूदी हैं, इनके भी मूल आधार इब्राहिम का भी जन्म नहीं हुआ था तब। इसलिए मैं आपको वो बता रहा था कि भारत एक महान सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है, देश रहा है और इसका हिमालय से कन्याकुमारी तक विशाल भू क्षेत्र अपना निवास स्थान रहा है और यहां की संस्कृति, यहां की सभ्यता इतनी महान थी जिसमें अनेकों जातियां आकर के इसमें विलीन होती चली गई। आज शकों का, हूणों का, कुषाणों का भारत के इन जनजीवन में कहीं नाम निशान नहीं है।
वो अपने आप को इसी विलीन करके हमारा एक अंग बन गई। ये गौरवमयी गाथा जिस देश की है, जिस समाज की है, आजकल के राजनेता हमें सिखाते हैं कि ये तो दुनिया के लोग आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। ये सारी हमारी संस्कृति 400 वर्ष की पुरानी है, क्योंकि भारत की संस्कृति खिचड़ी संस्कृति है। इसमें हिंदुओं का भी सहयोग है, मुसलमानों का भी सहयोग है, ईसाइयों का भी सहयोग है, यहूदियों का भी सहयोग है। ये समझ में नहीं आया कि उनको ये कहां से, किस ग्रंथ से, किस क्रम से इतिहास का बोध हुआ है। हमें उनको कोसने से कोई लाभ नहीं होने वाला। उनकी बुद्धि इस समय भ्रमित है अपने स्वार्थ। उनसे हमें आशा नहीं करनी चाहिए कि भारत के वर्तमान के डेमोक्रेटिक राजनेता हमारे देश और धर्म के लिए कुछ करेंगे, हमारे समाज के हित के लिए कुछ करेंगे। उनसे इस प्रकार की आशा रखना ही भ्रांति है। इसलिए मैं तो जब चाणक्य को देखता हूं, आजकल जो टीवी पर सीरियल आता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वर्तमान के शिक्षकों के लिए ही वो अवबोधन दे रहा है कि जब राज तंत्र देश और धर्म की रक्षा करने में असमर्थ हो जाए तो वहां के शिक्षकों को सजग होकर तैयार होना चाहिए, ये कर्तव्य उन्हें निभाना चाहिए। और जो धर्म शिक्षक हैं या किसी प्रकार के समाज शिक्षक हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। वर्तमान चाणक्य में जो कुछ दिखाया जा रहा है ये कल्पना नहीं है, ये तत्कालीन यथार्थ का प्रदर्शन है। आप लोगों को बहुत लोग जानते होंगे, मुझे दर्शन के समान ही इतिहास में प्रेम है। मैंने इतिहास को अच्छी प्रकार से पढ़ा है भारत के, और इस पर बहुत कुछ लिखा भी है। इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ आपसे बात करने जा रहा हूं कि इस समय की जो परिस्थिति है वो ऐसी ही परिस्थिति है जबकि आज के शासकों से आप कोई आशा नहीं कर सकते। अपने धर्म को, अपने अतीत के मान बिंदुओं को, अपने गौरव को सुरक्षित रखने का दायित्व तो आप पर है। और वैसे भी राजतंत्र में एक नियम होता है, यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन लोकतंत्र का नियम बिल्कुल इसका उल्टा है। वो शीर्ष शासन करता हुआ आपको दिखाई देगा। लोकतंत्र में नियम क्या है? यथा प्रजा तथा राजा, क्योंकि वहां राजा से प्रजा संचालित होती है और आज प्रजा से हमारे शासक संचालित होते हैं। आज जो बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है, कल ढकेल करके आप लोग उसे नीचे गिरा सकते हैं, और एक दूसरे को जो आज नीचे खड़ा हुआ है उसको ऊपर बैठा सकते हैं, ये तो देख रहे हैं आप। इसलिए केवल वोट देने का दायित्व ही आपके ऊपर नहीं है, बल्कि समाज की उस अतीत की उपलब्धियों को सुरक्षित रखने का दायित्व भी आज आप पर है। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये चिंतनीय बात है। और याद रखिए, इस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन दुनिया में चल रहा है। एक वेस्टर्न डीज का रहने वाला विद्वान पुस्तक लिखी है, और अंग्रेजी में पुस्तक है, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिंदुइज्म पुस्तक का नाम, और उसमें उसने बड़े यथार्थ का चित्रण किया है। और उसने ये बताया है कि इस समय विश्व की जो महान शक्तियां हैं उनके सामने एक ही तत्व है जो उनके विस्तार में बाधक है, और वो है हिंदुत्व का यह भाव। और यदि यह भाव यहां से निकाल दिया जाए तो उनकी मंशा पूर्ण हो सकती है और सारे मानव के ऊपर उनका एक क्षेत्र आधिपत्य हो सकता है। इसलिए इस हिंदुत्व भाव को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अनेक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी, अनेक प्रकार की गुप्त योजनाएं चल रही। और यहां के दुख की बात यह है कि यहां की राजनीतिक पार्टियां बहुत सी ऐसी हैं जो उनके सहायक हैं, उनके सहायक धन के लोभ में
यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो उनका स्वागत करते हैं अंतर रूप में। एक ईसाई जो भारत का एक ब्राह्मण कुमार था, दुर्भाग्य से ईसाई बन गया था, लेकिन मैंने अपने सत्संग में बताया था, उसकी पूरी जीवनी बताई थी। उसने मुझे बताया कि स्वामी जी, हमें अधिक से अधिक देश में ईसाईयत का प्रचार करने में यहाँ के सरकारी अफसर सहयोगी बनते हैं। और उसने यहाँ तक बताया कि बहुत से यहाँ देश में ऐसे अफसर हैं जिनको अमेरिका से लाखों रुपया मिलता है केवल इस बात के लिए कि वो ईसाईयत का प्रचार कराए, हमारे लिए सहयोगी बने, हमें सुविधा प्रदान करें। और मैं आपको क्या बताऊं, इससे भी अधिक भयानक बातें और भी हैं जिनको यहां स्टेज पर बैठकर के बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं तो केवल इतने आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह दायित्व आपको ही निभाना पड़ेगा। अपने अतीत की सुरक्षा आप कर सकते हैं, अपने मान बिंदुओं की सुरक्षा आप करेंगे, अपने अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए सब प्रकार का दायित्व आज आपके ऊपर है। यदि आप उसके लिए तैयार हैं तो आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। एक सज्जन मेरे से कहने लगे कि ये हमारा धर्म तो सनातन धर्म है, इसको 700 वर्ष तक मुसलमान कोशिश करते रहे नहीं मिटा सके, 200 वर्ष तक अंग्रेज कोशिश करते रहे नहीं मिटा सके, ये तो नित्य धर्म है, इसको कौन मिटा पाएगा। मैंने उनसे कहा, हमका 700 वर्ष में मुसलमानों ने पूरी कोशिश करके भी हिंदुओं की सारी चोटियां साफ नहीं कराई थी, क्या समझे, 200 वर्ष के पूरी कोशिश करने पर भी हमारे यज्ञोपवीत नहीं उतारे गए थे, लेकिन इस 40 वर्ष के स्वतंत्रता ने हमारी चोटी भी साफ करा दी और हमारे यज्ञोपवीत भी उतार फिरवा दिए। अनकॉन्शियसली, यानी किसी को इसमें सजगता नहीं। आप सुने होंगे, एक छोटा सा बच्चा, 12 साल का बच्चा था हकीकतरा, वो मर जाना स्वीकार किया लेकिन चोटी कटाना स्वीकार नहीं किया था। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह के लड़के दीवार में चुन जाना स्वीकार किए लेकिन चोटी कटाना स्वीकार नहीं किए, जिस चोटी की रक्षा के लिए लाखों बलिदान हुए थे। सुने होंगे आप लोग भी, औरंगजेब के जमाने में ये प्रतिज्ञा थी कि 1.25 लाख मन जनेऊ उतार करके रखा जाए, जिसके लिए लाखों बलिदान हुए और यज्ञोपवीत कंधे से नहीं उतरा। आज यज्ञोपवीत किसी को ढूंढो तो मिलेगा नहीं, अपने आप उतर गया। अतीत के चिन्हों के ऊपर जिन लोगों ने जान दिया था, आज वो अतीत के चिन्ह अपने आप समाप्त हो गए। भारत की ललनाएं, वो देवियां, कोई विधर्मी हमारे शरीर को छू न ले, इसके लिए जलती हुई चिता में कूद पड़ी, जीवित कूद पड़ी। और आज गति देखिए, आज हमारे यहां संस्कार दिया जा रहा कि ये सेक्स तो जिस बायोलॉजिकल डिमांड, यू कैन फुलफिल एनी वेयर वेयर यू वांट। और यदि तुम कोई पतिव्रता ऐसी बात करो, कोई पवित्रता ऐसी बात करो, यू आर ओल्ड वुमन, यू आर लिविंग इन 16th century। अरे तुम पुरानी औरतें हो, तुम तो 16वीं शताब्दी में, ये कौन कहानी जानते हो। ये आजकल के पढ़े लिखे कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में हमारी ही लड़कियां ही कर अपनी माताओं, हम तुम्हारी तरह नहीं है कि अपने पतियों की चापलूसी करेंगे, उनकी गुलामी करेंगे, उनकी दासी बनकर रहेंगे, नहीं, हम भी नारी है, हमारे में गौरव है। ये कहां से आया संस्कार, अमेरिका, दे आर नॉट अवेयर फुल्ली अबाउट अमेरिका। हमें 20 वर्ष हो गया अमेरिका में रहते, हमसे पूछ ले कि वहां की स्त्रियों की क्या दुर्गति है, क्या दुर्गति है, जानते हो क्या दुर्गति है, थोड़ा सा उसका आप कल्पना कर लो मेरे विचारों को सुनकर। वे लड़कियां जिनका एक पुरुष में आस्था जिनकी नहीं है, जिनका एक पुरुष के प्रति समर्पण नहीं है, आज उसके साथ रही 2 वर्ष, उसके बाद 4 वर्ष दूसरे के साथ रही, 6 वर्ष दूसरे के साथ रही,
ये कब तक चलता है जानते हो? अबाउट 40, अब 45, हार्डली 50 तक। अब 50 के बाद उनको चाहने वाला कोई नहीं है, कौन चाहे? 50 के बाद वो अकेले रो रही हैं, मर रही हैं। अब वो चाहती है कि कोई उनको चाहे, अब कौन चाहे 50 के बाद? आज जरा सोचो, जब किसकी साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी सिकिस्ता किसकी पर साहिल की तमन्ना कौन करे? परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है पागलपन, परिणाम होता है आत्महत्या। हमने अमेरिका में कोई ऐसा छोटा कस्बा नहीं देखा जिसमें एक पागलखाना ना हो, और भारत में तो गिने हुए पागलखाने हैं, 4-6। लेकिन आज उनकी नकल करने में पढ़ी लिखी लड़कियां अपने आप को गौरवान्वित करती करती, नारी जागरण हो रहा है। ये नारी जागरण हो रहा है या नारी पतन हो रहा है? आज जरा सोचिए। मेरे कहने का अभिप्राय कि जो लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा की योजना बनाई थी और अपने शासन काल में पूरा नहीं कर सका था, ये हमारे आधुनिक भारत के निर्माताओं ने 40 वर्ष में पूरा करके दिखा दिया। उसने कहा था कि सकल से भारतीय होंगे लेकिन अकल इनका यूरोपियन होगा। आज यही हो गया, जिनको अंग्रेजी का एक अक्षर ज्ञान नहीं है वो भी अपने आप को यूरोपियन शो करने के लिए, यानी प्रमाणित करने के लिए, हर एक प्रकार के इधर उधर की कल्पना करते रहते हैं, तामझाम बनाते रहते हैं। क्या बताया जाए? इसलिए मैं कह रहा था कि जो काम 700 नहीं 900 वर्षों में नहीं हुआ, वो काम 40 वर्षों में पूरा हो गया। जब आपको अपने चिन्हों पर ही गौरव नहीं है, एक मुसलमान खतना कराना बंद नहीं किया, इस नई रोशनी ने उसके इस संस्कार को कुछ नहीं बिगाड़ा, एक ईसाई बपतिस्मा लेना बंद नहीं किया, इस वैज्ञानिक युग में उसके इस आस्था पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन एक हिंदू चोटी रखाना खत्म कर दिया, यज्ञोपवीत तोड़कर फेंक दिया। आप जरा सोचिए तो क्यों ऐसा हुआ के? किसकी देन है? इसलिए कि पहले भारतवर्ष के संचालक ऋषि होते थे, उनमें आस्था होती थी, उनकी बात प्रमाणित होती थी। आज हर एक व्यक्ति या तो किसी नेता को देखता है या अभिनेता को, इसके सिवा कोई उसका आदर्श ही नहीं रहा। आजकल के नवयुवकों के आदर्श कौन है? या तो पथभ्रष्ट नेता और या तो कोई अभिनेता। अभी कोई अभिनेता आ जाता आपके इस नगर में, क्या इस मैदान में खड़े होने की जगह मिलती? क्या रहा है आप लोग नहीं? और आजकल के अभिनेता कैसे हैं आपको पता है, और नेता कैसे हैं वो उन्हीं के आगे, उनसे भी एक कदम आगे है। आज ये स्थिति है, इसलिए मैं आप लोग मुझ कह रहा हूं कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के विषय में, अपने अतीत के मान बिंदुओं की सुरक्षा के विषय में आपको सजग रहना होगा। यदि आप उसकी महत्ता समझते हैं तो, और यदि आप नहीं समझते तो यह दायित्व तो हमारे पर है कि हम उसकी महत्ता आपको समझावें। हां, अनेकों बार व्यासदेव के समझाने पर भी दुर्योधन और उसके जो अनुयायी थे नहीं सुने, परिणाम जो हुआ आपको पता है। इसी रूप से अनेक बार हमारे समझाने से भी यदि आपके समझ में नहीं आएगा तो परिणाम जो होगा वो आपको मालूम है। विनाश के सिवा और कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग उस धर्म के विषय में अपनी आस्था को समझें, उन मान बिंदुओं के विषय में अपने आप को जागृत करें, याद रखें। मैंने दुनिया घूम करके देखी है और मैंने ये पाया है कि दुनिया में जहां जो है इस समय, अब वो किसी ऐसे आदर्श की तलाश में है जो उसके जीवन को व्यवस्थित कर सके, ऊंचा उठा सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज अमेरिका यूरोप में वहां के युवक और युवतियां ये चाहती हैं कि हमारा विवाह किसी ऐसी विधि से हो जाए
जिससे हम भी भारतीयों की तरह आजीवन एक पति पत्नी के रूप में रह जाए। आते हैं हम लोगों के पास, पूछते हैं कि आपके मैरिज में कौन सा ऐसा प्रयोग किया जाता है जिससे आपकी मैरिज टूटती नहीं। क्या वेद मंत्रों में ऐसी कोई शक्ति है? देन प्लीज यू मस्ट परफॉर्म और मैरिज विद वेद मंत्र। तो कहते हैं कृपा करके उन वेद मंत्रों के साथ हमारी भी शादी करा दीजिए, जिससे हमारी शादी टूटे ना, हमारा जीवन बर्बाद ना हो। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अब पश्चिम के लोग जिस सभ्यता से, जिस संस्कृति से, यानी जिस भौतिकवाद से ऊब करके एक नई रास्ते की तलाश में है, और भारत का वह युवक समाज आज अपने उस अतीत से कटता हुआ और भटकने के लिए अपने आप को यानी विशेष रूप से उच्छृंखलता की अग्नि में झोंक रहा है। परिणाम क्या होगा भगवान जाने। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि यह समय बड़ा संक्रामक समय है, क्राइसिस का समय है। और इसमें भी एक दूसरी बात और आपको बताऊं, इस समय हर एक वर्ग में संगठन, ईसाई संगठित हैं। आप लोगों ने देखा ना, अभी अरब में एक इराक के साथ युद्ध करने के लिए पूरा पश्चिम देश एकमत था। और उसमें मूल कारण क्या था जानते हो? मूल कारण यह था कि मध्य एशिया में एक इस्लामिक पावर स्वर उठा रहा है, यदि यह कहीं प्रबल हो गया तो हमारे लिए खतरा होगा, इसलिए जन्मने से पहले इसे समाप्त कर दो। उसके लिए सारा देश इकट्ठा हो गया पश्चिम का। और अब उसी का परिणाम आगे देखिए, मिडिल ईस्ट से लेकर के रशिया तक फैले हुए सारा इस्लामिक देश अब एक झंडे के नीचे आने के लिए तैयार हो रहा है। लोग कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध जल्दी होने वाला है, कईयों ने ऐसी प्रोफेसी की है और उसका चित्र सारा बनता चला जा रहा है। रशिया से पांच राज्य अलग हुए हैं और वो पांचों पांचों इस्लामिक हैं, और वो सब इस्लाम के महासंघ में अपने आप को एक करने के लिए तत्पर हैं। अब रह जाएंगे बीच में कौन? आप ना, आप उधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, फिर आपको पूछेगा कौन? आपको मालूम है इस समय 2.5 अरब से ज्यादा क्रिश्चियनों की आबादी है दुनिया में, और 1.5 अरब से अधिक इस समय मुसलमान है दुनिया में, और आप कितने हो? सारी दुनिया में सारा मिलाकर 7 करोड़। क्या बुकत है आपकी? आप ये तो देखिए पहले, यदि आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो आपको संभालेगा कौन? मैं संख्या से भयभीत नहीं होता, ना ना, हमने देखा है संख्या से कुछ नहीं बनता। अभी हमारे सामने की बात है, 22 लाख केवल यहूदी हैं इज़राइल में, 22 लाख केवल, सारी यहूदियों की संख्या 22 लाख है। और उनके चारों तरफ घेरे हुए जो इस्लामिक देश हैं, वो जानते हो कितने हैं? 10 करोड़। लेकिन 10 करोड़ मिलकर के 22 लाख का कुछ नहीं बिगाड़ सके, और वो 22 लाख 10 करोड़ के नाक में नकेल डाले खड़े हैं, उतराए उतराए हो रहा है। तो पता है मेरे कहने के प्राय, साहस, धैर्य और अपने अतीत के प्रति आस्था, वो जो 22 लाख वहां इसराइल में इकट्ठा हुए हैं, अभी हुए हैं, और कहां से आए पता नहीं, कितने कितने देशों से आए, सबकी भिन्न भिन्न भाषाएं थी, लेकिन वहां आकर उन्होंने अपने अतीत की हिब्रू भाषा स्वीकार कर ली और उनकी मातृभाषा हिब्रू बन गई। जो जानते नहीं कि हिब्रू क्या बला है, उनकी भी मातृभाषा हिब्रू बन गई, अब हिब्रू भाषा बोलते हैं वो, उनकी नेशन की भाषा हिब्रू है। और हिब्रू आज से हजारों वर्ष पहले मर चुकी थी, उसको उन्होंने जीवित किया। और हम जिस देश में रहते हैं,
हमारी मातृभाषा कहते हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन आज भी हम अंग्रेजी बोलकर अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। एक बात याद रखो, विजित जाति हमेशा विजेताओं के संस्कारों को श्रेष्ठ मानती है, और आज भी वो कुसंस्कार हमारे दिमाग में पड़े हुए हैं कि अंग्रेज हमारे पर शासन किए थे, पहले इस्लामिक शासन किया इसलिए फारसी अच्छी भाषा थी, अब अंग्रेज शासन करके गए इसलिए अंग्रेजी अच्छी भाषा है, इसलिए हमारी संस्कृति ऐसी, हिंदी ऐसी पूर्ण भाषा जिसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, उसके प्रति हमारी न तो आस्था है, न गौरव है, न तो सम्मान है। आप जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि के प्रति, मातृभाषा के प्रति, मातृ संस्कृति के प्रति गौरवान्वित नहीं होगा, उसके जीवन को गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए और कहां थोर मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि समाज की स्थिति को समझें और समझ करके फिर आप अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाएं। एक बात याद रखना, मैं कोई संप्रदायवादी व्यक्ति नहीं, मुझे 20 वर्ष पश्चिम में काम करते हुआ मेरे हजारों क्रिश्चियन शिष्य हैं, क्रिश्चियन हैं मेरे शिष्य, और लाखों लोगों ने प्रेरणा ली, दिशा ली है। हमारे आग्रह की हमारे में कोई आवश्यकता नहीं है। ये बातें मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि जहां पर हिंदू विचारधारा की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, वहां पर न तो हमारा ये विचार रहेगा और न तो इस विचार की मानवता को कोई उपलब्धि हो सकेगी, या मानवता इन विचारों से पुष्ट हो सकेगी, क्योंकि दुनिया में अन्य जितने धर्म हैं, अन्य जितने धर्म हैं, उनकी मान्यताएं एक सीमा में बंधी हुई है, और सीमा में बंधी हुई मान्यताएं यदि मानव समाज में प्रबल हो गई तो याद रखना मानवता सदा के लिए विदा हो जाएगी। इसलिए हमें जो खेद है, दुख है, पीड़ा है, वो ये है कि कहीं इस आधुनिकता की आंधी में हम अपने अतीत की उपलब्धियों को यदि तिलांजलि दे देंगे तो दुनिया में मानवता का वह गौरवपूर्ण चरित्र चित्रण करने वाला कोई दूसरा विचार नहीं रह जाएगा। आज भी पश्चिम के लोग हमारे ग्रंथों से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। एक इमर्शन नाम का अमेरिकन संत हुआ है, उसका मित्र था एक जर्मन, उसने उसको भगवत गीता की पुस्तक भेंट की, उसने कहा कि मेरे पास एक बहुत अमूल्य वस्तु है और वो मैं तुम्हें भेंट करना चाहता हूं। इमर्शन बड़ा उत्सुक हुआ, कौन ऐसी वस्तु है, तो वो जब गया उससे मिलने तो उसने भगवत गीता भेंट की। भगवत गीता ओरिजिनल तो था नहीं, संस्कृत का अनुवाद था इंग्लिश। जब उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने उस पर एक रिमार्क लिखा, अपनी मंतव्य व्यक्त किया। उसने कहा कि अब से पहले का अपना मैं सारा जीवन व्यर्थ समझता हूं, व्यर्थ समझता हूं। इमर्शन के शब्द हैं, सेंट इमर्शन अमेरिका का माना हुआ विद्वान संत हुआ है। वो कहता है अब से पहले का सारा जीवन मैं व्यर्थ समझता हूं, और मैं ये कहता हूं कि जब कभी मनुष्य जाति मनुष्यता की भावना से प्रेरित होकर दुनिया के मनुष्यों के लिए किसी एक मार्ग की तलाश करेगी और उसके लिए किसी आधार ग्रंथ की खोज होगी, तो मेरे विचार से इससे उत्तम और अवलंबन मनुष्य को कोई नहीं मिलेगा। ये गीता के विषय में लिखता है। जर्मन का एक विद्वान था शोपेनहावर, वो लिखता है ये उपनिषदें
हमारे जीवन में हमारा संबल रही हैं और मुझे विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात भी हमारे लिए संबल का काम करेंगे। जर्मन के विद्वान, अमेरिका के विद्वान, अमेरिका का थोर जो कभी भारत नहीं आया, लेकिन जब वो चिंतन करने बैठता था अपने ध्यान में, तो वो ये कहता था कि ये जो बादल आ रहे हैं पूरब से, ये भारत की गंगा जी के जल उठाकर ला रहे हैं और यहां बरस रहे हैं, इसलिए मैं इनमें बैठकर स्नान कर रहा हूं। आप सोचिए, आपकी जिन उपलब्धियों के लिए विदेशी लोग इतने श्रद्धा की दृष्टि रखते हैं, उन्हीं उपलब्धियों को आप तिलांजलि देने में अपना गौरव समझ रहे हैं, इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने अतीत की मान्यताओं को दृढ़ता के आस्था के साथ स्वीकार करते हुए उनकी विशिष्टताओं का चिंतन करें, मनन करें, अंधविश्वास के साथ नहीं, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ। श्रद्धा अंधविश्वास का नाम नहीं है, श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य की धारणा, उस सत्य को धारण करते हुए उनके प्रति आपकी यदि आस्था दृढ़ होगी, उनके यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए जब आप तत्पर होंगे, तो आप अपने लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए कल्याण के स्तंभ बनेंगे। मैंने देखा है दुनिया के लोगों को कितने प्यार से, कितनी आस्था से, कितनी श्रद्धा से गीता के सिद्धांतों को, उपनिषद के सिद्धांतों को श्रवण करते हैं। इंग्लैंड के स्वर जो लंदन है उससे 200 मील दूर मेरा आश्रम था, 200 मील दूर वहां पर डॉरसेट नाम की एक जगह, वहां घरों में हमें ले जाते थे, जैसे आप लोग कहते हैं ना पधरावनी अपने अपने घरों में, ऐसे लोग चाहते थे कि स्वामी जी मेरे घर में भी आ जाएं। और मैं उन दिनों 4 महीने वहां रहा, पहली बार की बात बता रहा हूं, और उस जगह पर 4 महीने रहा। मेरे साथ 60-70 नवयुवक लड़के और लड़कियां अंग्रेजों के रहा करते थे, हमेशा मेरे साथ रहना, खाना पीना, उठना बैठना सोना, आश्रम खुला हुआ होता था 24 घंटे। और वहां के लोग घर घर में हमें बुलाते थे, कोई घर मैंने नहीं देखा, वहां सैकड़ों घरों में गया हूं, कोई घर ऐसा नहीं देखा अंग्रेज का जिस घर में योग दर्शन की पुस्तक अंग्रेजी में अनुवाद न पड़ी हो। सबकी आस्था योगा, आपको मालूम होना चाहिए अमेरिका में तो मिलिट्री में भी मेडिटेशन की प्रक्रिया अनिवार्य बना दी गई है। और की बात छोड़, लेकिन जिस योग की, जिस वेदांत की, जिस गीता की इतनी महिमा पश्चिम के लोग स्वीकार कर रहे हैं, भारत के किसी नवयुवक से पूछो तो कहता है कि सीढ़िया का नाम है, उसको पता नहीं। क्यों नहीं पता है जानते हो? इसलिए कि मां बाप को फुर्सत नहीं कि अपनी अतीत की उपलब्धियों का उसे बोध कराएं, और स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक प्रोहिबिटेड है कोई धर्म की चर्चा वहां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा ये धर्म निरपेक्ष जो मॉडल है ये तो भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां गीता की चर्चा करो तो हिंदुइज्म हो जाएगा, आप कम्युनल हो जाएंगे, उपनिषद की चर्चा करें तब भी आप हिंदू हो जाएंगे, रामायण का आदर्श बताओ तब भी आप हिंदू हो जाएंगे। और की बात छोड़िए, अभी मैं यहां आ रहा था तो 2 दिन के लिए मैं दिल्ली में रुका, दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, मैंने पूछा हमका भाई ये आंदोलन किस बात का है, कहा चाणक्य के खिलाफ है, जो चाणक्य आ रहा है सीरियल चाणक्य खिलाफ किस बात पर, कहा ये लोग कह रहे हैं कि ये चाणक्य में जो दिखाया जा रहा है ये सब हिंदुत्व का प्रचार हो रहा है, इनडायरेक्टली इस देश से बंद किया जाए। वाह भाई वाह, और इसको करने वाले जानते कौन थे? हिंदू, हिंदू इसको कहने वाले, आगे आगे वही झंडा लिए घूम रहे हैं, ये कम्युनल थॉट बंद करो, ये विचारधारा बंद करो,
वाह भाई वाह। यानी आजकल इतना भ्रष्ट जीवन हो गया है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, दुख होता है। पहले राजतंत्र था, इसलिए जो विचारक थे वो राजाओं से मिल करके समाज के परिवर्तन की बात करते थे। आज प्रजातंत्र है, राजा तो है नहीं कि राजा के विचार को बदल दो तो सारी प्रजा बदल जाएगी, ये तो बात रही नहीं। अब तो एक एक प्रजा को बदलना होगा और एक एक प्रजा तक पहुंचना कितना कठिन है आप स्वयं समझ लो। इसलिए आज की स्थिति बड़ी गंभीर है, और इस गंभीर स्थिति को देखते हुए यदि हर एक व्यक्ति अपने सभ्यता संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए सजग नहीं होगा तो मैं समझता हूं ये सारी उपलब्धियां जो क्यों अजायब घर के पन्नों में पड़ी रह जाएंगी, हमारे जीवन से गायब हो जाएंगे। आप लोग विचार कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, वेद से लेकर के रामायण तक, तुलसी रामायण तक जितनी हमारी रचनाएं हुई हैं, कोई ऐसी रचना नहीं है जिसमें किसी भी प्रकार का व्यक्तिवाद व जातिवाद, या जिसको समझ लो कम्युनल आप वर्तमान में कहते हैं, कहीं भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, हिंदूवाद जिसे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कारण क्या? कुछ लोगों को यह भ्रांति है कि उस समय हिंदू शब्द ही नहीं था। मैंने एक सज्जन से कहा, हम कहा कि भले आदमी बापा रावल कब हुए मालूम है? बहुत वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले हुए भाई? आप लोगों में किसी को मालूम होगा? 1500 वर्ष। और तुलसीदास जी कब हुए? 400 वर्ष पहले। 1500 वर्ष पहले जिस व्यक्ति को हिंदुआन सूर्य की खिताब मिली थी तो उसमें हिंदू थे कि नहीं थे? भारत में गौरवपूर्ण शब्द था हिंदू कि नहीं था? आप सोचो पहले। और 400 वर्ष पहले जो तुलसीदास जी महाकाव्य लिखे रामायण, उसमें उन्होंने अपने ग्रंथ में हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्या रहा है आप? इसलिए नहीं किया कि भारत के ऋषियों का चिंतन एक जाति एक वर्ग एक देश एक राष्ट्र की सीमा में आबद्ध रहने के लिए नहीं था, वो हमेशा समष्टि के हित का चिंतन करते रहे। इसलिए नहीं कि उस समय हिंदू थे नहीं, या हिंदू शब्द आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, ऐसी बात नहीं। आज से हजारों से 1500 वर्ष पहले भी हिंदू शब्द आदर की दृष्टि से देखा जाता था, सुना जाता था, लेकिन हमारे ऋषियों ने महापुरुषों ने महात्माओं ने कभी ऐसी बात नहीं कही जो एक वर्ग के लिए या एक कम्युनिटी के लिए या एक देश के लिए उपयोगी हो। नहीं, उनका चिंतन हमेशा मानव मात्र के लिए रहा है। यही उनके चिंतन की महत्ता रही, यही उनकी उदारता का मूल यानी श्रेयस का स्वरूप रहा है कि उन्होंने मानवता के हित में चिंतन किया, किसी देश और किसी समाज के लिए किसी कम्युनिटी के लिए नहीं किया। इसलिए तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपके राम कहां के राजा हैं? भारत के, हिंदुस्तान के? उन्होंने कहा ना ना ना, या तो फिर कहा जिस राम की मैं कथा कह रहा हूं, मेरे राम तो कहां के राजा हैं? तुलसीदास जी के शब्दों में पूछिए तो बताएंगे। भूमि सप्त सागर मेखला, ये सात समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी जो है, यानी कहने का प्राय पृथ्वी पर जितने मनुष्य रहते हैं, एक भूप रघुपति कोसला, उन सबके राजा मेरे राम है। राम का जीवन इस सातों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए आदर्श है, केवल हिंदुओं के लिए आदर्श नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला, कहा आपके राम इसका भी प्राय विश्व के शासक थे। अरे कहा विश्व के शासक, उनके लिए क्या बनना बड़ी बात है? यह प्रभुता
कछु अधिक न तासु। उस परमात्मा के लिए, उस परमात्मा की विभूति के लिए ये कोई बहुत बड़ी महिमा की बात है क्या? भुवन अनेक रोम प्रति जासु। जिस राम के एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड लटक रहे हो, उस राम के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो पूरी पृथ्वी का आदर्श है। शासक माने आदर्श, प्रभु माने आदर्श, राजा माने आदर्श। ये बात याद रखो, हमारे यहां प्रजा के लिए, प्रजा के जीवन को रंजनमय बनाने के लिए जो आदर्श होता था उसकी संज्ञा होती थी राजा। राजा आइडियल होता था। कन्फ्यूशियस कहता है अपने शिष्यों से इस प्रकार के जीवन की महिमा। एक शिष्य खड़ा होता है, प्रार्थना करता है, गुरुदेव यदि आपके कथनानुसार हम अपना जीवन बना ले तो हमें क्या मिलेगा? ज्ञान तो क्या उत्तर देता है? कन्फ्यूशियस कहता है देन यू विल टेक नेक्स्ट बर्थ इन इंडिया, फिर दूसरा जन्म तुम्हारा भारत में होगा। एक कन्फ्यूशियस की बात है, वो कहता है दूसरा जन्म तुम्हारा भारत में होगा, अगला जन्म ये इसका फल है। और जब हम पढ़ते हैं, ये तो कन्फ्यूशियस की बात तो बात की है, इससे पहले की बात है जो विष्णु पुराण में लिखी गई है, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तिते भारत भूमि भागे। देवता लोग भी स्तुति करते हैं कि हे भगवान, हे विधाता, अब हमें दूसरा जन्म भारत में दे देना, भारत में जाकर जन्म ले। देवता भी इस भूमि पर जन्म लेने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। इतनी महान भूमि, इतनी पवित्र भूमि क्यों बनी है? इसलिए कि यहां का चिंतक, यहां का विचारक, यहां का दार्शनिक, यहां का संत, यहां का ऋषि कभी भी एक सीमा में बंधा हुआ, एक सीमा में आबद्ध होकर के, एक सीमा के लोगों के हित की बात नहीं सोचता। उसका सोच, उसका विचार, उसका चिंतन सार्वभौम होता है और वह समष्टि के हित के लिए सदैव कल्पना करता है। आप वेद के मंत्रों को पढ़िए, जहां पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया की चिंता है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत् की चिंता है। वहां पर किसी जाति व्यक्ति और समाज के लिए हित की चिंता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि यदि ये भारतीय संस्कृति का पतन हुआ, ह्रास हुआ, तो इस प्रकार के महान विचारों का अभाव हो जाएगा और मानवता एक ऐसे अंधकार में पहुंच जाएगी जहां से उसके प्रकाश की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। और